अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अर्थ ऑफ नॉलेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज, माय नेम इज़ दिशान अली। तो आज अकाउंटेंट का पेपर भी था, उम्मीद करता हूँ आपका सब ठीक सबका ठीक हुआ होगा। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो काफ़ी अच्छा दिया होगा, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड जो है उसमें ज़्यादा MCQs वगैरह आए हुए थे। तो कल भी एक पेपर है PPSC का। तो ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको मैं डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड जो है PPSC, FPSC, NTS या किसी भी टेस्टिंग सर्विस या किसी भी टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट होती है, मैं उस पे जो है वो आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो बेसिक मैथ जो है वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है, PPSC के पास पेपर्स और PMS के पास पेपर्स, और इसके अलावा जनरल नॉलेज और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसी तरह हमने बेसिक मैथ का जो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके थे। तो आज जो है हमने फोर्थ लेक्चर जो है वो थ्योरी का जो फोर्थ लेक्चर है वो मैंने आपके साथ कंप्लीट करना है, 4 लेक्चर। तो ये मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ, सीक्वेंसेस की डेफिनेशन हमने देखी, फिर सीरीज की डेफिनेशन, और इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी कि सीक्वेंसेस कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हैं 3 लेक्चर्स वो देख सकते हैं मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें नोटेशन फार्मूलाज वगैरह ड्राइव करना और उसको सोल्व करना कैसे है, 75th टर्म कैसे निकालते हैं, 100th टर्म, 10th टर्म कैसे निकालते हैं, और कुछ रूल्स वगैरह जो है वो भी हमने देखे। और इसके अलावा हमने जो है वो सीक्वेंसेस की टाइप्स जो है वो रीड की थी, अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें हमने देखा था और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा एक टॉपिक आ रहा है, तो ये भी सीक्वेंसेस का हिस्सा है, क्योंकि ये मैं आपकी थ्योरी मतलब कंसेप्ट बना रहा हूँ जो कि आपके सीक्वेंसेस एंड सीरीज में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, थ्योरी आपकी क्लियर होगी कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज किस तरह बने हुए हैं। तो ये सारे टाइप्स वगैरह और डाटा मैंने आपके साथ शेयर मैं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं जिनकी 3 मतलब ये जो है 3 साइडें होती हैं उनको ट्राइंगुलर कहते हैं। ये उसने एक सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 एंड सो ऑन। वो कह रहा है द ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस इन जनरेटेड फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ डॉट्स विच फॉर्म अ ट्राइंगल। ये जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, डॉट से विच फॉर्म अ ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगर 1 डॉट होगा तो वो 1 होगा, 3 डॉट होंगे, ये देखें इसने ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड जो है वो 3 डॉट्स मतलब 3 जो है वहां पर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 6 डॉट से बनाए तो हमारा 6 नंबर आएगा, 10 डॉट से बनाए तो हमारा 10 नंबर आएगा, 15 डॉट। तो ये तो एक सिंपल सा उसने समझाया हुआ है, लेकिन इनको निकालना कैसे है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। कि अगर आपको वो कहता है 3rd टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म जो है वो फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको बताता चलूं। बाय एडिंग अनदर रो ऑफ डॉट्स एंड काउंटिंग ऑल द डॉट्स वी कैन फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, बट इट इज इजियर टू यूज दिस रूल। ये एक रूल है कि इसको आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। रूल क्या है, XN, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि XN क्या है, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा। एन जो है वो नंबर को शो करता है, n+1, एन नंबर को शो, n+1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो XN भी मैं बताता चलूं कि यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि आपने 5th टर्म जो है यही सीक्वेंस अगर आपके पास हो, 1, 3, 6, 10, 15, 28, 21, 28, 36 एंड 45, यही सीक्वेंस को अगर आपने फॉलो करना है, और आपसे वो कहता है कि आपने 5th टर्म जो है ट्राइंगुलर नंबर जो है वो 5th टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर कौन सा निकाला आपने, 5th, 5 आ गया, प्लस
एन एन की जगह पे फिर 5 + 1 / 2 इज इक्वल टू 15। अगर आप सोल्व करेंगे आपके पास 15 आएगा, फिफ्थ टर्म। यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो है वो 15 है। तो इसी तरह जो है आप ट्राई एंगुलर नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपने को वो कहता है कि सिक्स टर्म जो है वो आपने निकालनी है, तो सिक्स टर्म निकालनी है तो सिक्स सिक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो आपके पास 21 जो है वो सिक्स टर्म आ जाएगी। अगर आपको मैं सीक्वेंस दिखाऊं तो यहाँ पर 21 जो है वो सिक्स टर्म है। इसको फॉलो करते हुए आप कोई भी टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नंबर्स होते हैं उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ होता है, उसमें स्क्वेयर होता है, ठीक है। स्क्वेयर मीन के उसकी पावर होती है। अगर मैं 1 की पावर लूं तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 की पावर मैं लूं 2, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 = 4। अगर 2 की पावर 2 लूं तो ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 की पावर अगर मैं 2 लूं तो ये 9 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 2 लूं तो ये 16 हो जाएगा। इस तरह के स्क्वेयर नंबर्स वाले सीक्वेंसेस भी दिए होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट नंबर इज मेड बाय स्क्वेयरिंग वेयर इट इज इन द पैटर्न। पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर टर्म कैसे आएगी। रूल जो है इसका क्या बनेगा, एक्स एन इज इक्वल टू एन की पावर 2। जो नंबर होगा उसकी आपने पावर ले लेनी है। तो आपके पास उस जगह वाला, मतलब उस सीक्वेंस में जो आपने नंबर फाइंड करना है वो आप निकाल सकते हैं। तो कुछ सीक्वेंसेस या सीरीज दिए हुए होते हैं जिसमें क्यूब नंबर्स होते हैं। क्यूब कहते हैं 3 को, स्क्वेयर स्क्वेयर जो है वो 2 को कहते हैं, और क्यूब जो है वो 3 को कहते हैं। तो अगर आपने क्यूब नंबर्स फाइंड करने, क्यूब नंबर्स वाली अगर सीक्वेंस या सीरीज देखनी है तो उसमें आपने क्या करना होता है, नंबर का क्यूब लेना होता है। अगर आप 1 को 3 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अगर आप 2 की पावर 3 लेंगे तो ये कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 4, 4 × 8, तो नेक्स्ट टर्म आपकी 8 आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसी तरह आपने 3 का भी क्यूब लेना है तो आपके पास 27 आ जाएगा। अगर आपके पास 3 है तो आपने 3 को 3 टाइम, मतलब 3 दफा जो है वो मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास उसका नंबर आ जाएगा क्या, 27। क्यूबिक सीक्वेंसेस या सीरीज भी होती हैं और स्क्वेयर नंबर भी होते हैं, ये भी आपको समझ आ गया। तो इसका रूल क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू एन की पावर 3। ये क्यूबिक नंबर भी दिए होते हैं, स्क्वेयर नंबर भी मैंने आपको बता दिया और क्यूब नंबर भी बता दिया। तो नेक्स्ट वो कह रहा है फिबोन एसी सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, 0, 11, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ये सीक्वेंस दी हुई है। वो कह रहा है द नेक्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग द 2 नंबर्स बिफोर इट टुगेदर। वो कह रहा है कि अगर आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट करें अगर मैंने ये वाली टर्म फाइंड करनी होती तो मैंने प्रीवियस 2 टर्म्स को जो है वो ऐड करना था। यहाँ पर मैं ऐड करूंगा तो 1 आएगा। अगर मैंने ये वाली टर्म फाइंड करनी होती तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस 2 टर्म्स को, इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अगर मैंने ये वाला जो है नंबर फाइंड करना होता तो फिर मैंने क्या करना था, 1 + 2 करना था तो मेरे पास 3 आ जाएगा। इस तरह जो है फाइबोकन एसी सीरीज सीक्वेंस जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो द 2 इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर, ये उसने वही बताया हुआ है मैंने जो आपको सिंपल वर्ड में बता दिया है। इसमें क्या होता है, इस तरह का आपको सीक्वेंस या सीरीज दिया होता है जिसमें आपने प्रीवियस 2 टर्म जो है लाइक दिस, यहाँ पर 0 1 को प्लस किया 1 आया, 11 मतलब ये 1 + 1 किया 2 आया, फिर 1 + 2 किया तो 3 आया। अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को प्लस करूंगा, 13 + 21, 13
+21 करूंगा तो मेरे पास जो है नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा 34। इस तरह जो है आप नेक्स्ट सीक्वेंस निकाल सकते हैं किसमें, फिबोनाची सीक्वेंस में। तो ये भी इसकी एक टाइप है, इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको इतना ही याद रखना है कि फिबोनाची सीरीज जो है वो कैसे निकालते हैं। ये देखें, एन जो है आपके पास नंबर दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स हैं। अगर आपने एक्स एन निकालना है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ये सो ऑन चलता जाएगा। अगर मैं ये देखें 2 + 3 करूँ तो ये नंबर आ जाएगा, 5 + 8 करूँ तो 13 आ जाएगा, अगर मैं 8 + 13 करूँ तो 21 आ जाएगा। इस तरह जो है फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट है सीरीज एंड पार्शियल सम। नाउ यू नो अबाउट सीक्वेंसेस, द नेक्स्ट थिंग टू लर्न अबाउट इज हाउ टू सम अप सम देम अप। रीड ओवर पेज, ये रहने दें। वो कह रहा है व्हेन वी सम अप जस्ट पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस इट इज कॉल्ड पार्शियल सम। वो कह रहा है अगर हम सम करें जस्ट सम मतलब जस्ट पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस, सम अप सम करें जस्ट पार्ट, एक पार्ट को ऑफ अ सीक्वेंस को, वो हमारा पार्शियल हो जाएगा। अगर ये देखें, ये आपके पास सीरीज दी हुई है 1, 3, 5, 7 सीक्वेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 + 3 + 5 करूँ तो ये आपका पार्शियल सम बन जाएगा। ठीक है, एक होता है पार्शियल सम, एक होता है सीरीज। सीरीज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ हो उसमें आप डॉट्स की जगह प्लस डाल दें और ये चलता जाए तो ये सीक्वेंस से सीरीज बन जाता है। ठीक है, जो आपने डॉट जो है ये यहाँ पर डॉट हटाकर प्लस डाल दे तो ये सीरीज बन जाता है। सीरीज, पार्शियल सम और सीक्वेंस, ये तीनों डिफरेंट जो है वो टर्म्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो सीरीज और पार्शियल सम भी आपको समझ आ गया कि पार्शियल सम क्या होता है, जिसमें आपने सम अप करना होता है जस्ट पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस, एक पार्ट को आप सम कर लें तो आपके पास पार्शियल सम आ जाता है। तो अगर आप इनको ऐड करें 1 + 3 + 5 + 7, अगर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, सम ऑफ सीरीज। ठीक है, ये चार टर्म्स बन जाएंगे। तो ये हमारा जो है थियोरेटिकल जो है सीक्वेंस का तकरीबन कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये जस्ट थ्योरेटिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ जल्द इसी टॉपिक्स पे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी करें, और दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी लर्निंग जो है वो करते रहें। जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।